नमस्कार दोस्तों, मधुवन टेक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, फेसबुक का कंटेंट क्रिएटर को हमेशा से ही एक डाउट रहता है, चाहे वो बिगनर हो या फिर ऑलरेडी फेसबुक पर काम कर रहा हो, उसको एक डाउट रहता है कि भाई फेसबुक का प्रोफाइल बेटर है या फेसबुक का पेज बेटर है, हमें ज्यादा अर्निंग फेसबुक पेज पर हो सकती है या फेसबुक का प्रोफाइल पर हो सकती है, हम रील्स या वीडियो फेसबुक प्रोफाइल पर पोस्ट करें या फेसबुक का पेज पर पोस्ट करें, कहाँ ज्यादा अर्निंग है, कहाँ ज्यादा रीच है। आज इस वीडियो पर आपको फुल्ली कंपेरिजन करके दिखाऊंगा। अगर आपको भी ये डाउट चलता रहता है कि पेज बेटर या प्रोफाइल बेटर, तो इस वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। वीडियो को आखिर तक देखो। चैनल पर पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो मधुवन टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मैं आपको वक्त के साथ अपडेट रखने की कोशिश करता हूँ। ओके, सबसे पहले आपको बता दूं, जब तक आप फेसबुक का प्रोफाइल पर प्रोफेशनल मोड को ऑन नहीं करते हो, थ्री लाइन पर क्लिक करके यहाँ टर्न ऑन प्रोफेशनल मोड का ऑप्शन मिलेगा, इसको ऑन नहीं करोगे तब तक फेसबुक पेज और प्रोफाइल का कोई कंपेरिजन बनता ही नहीं है। क्योंकि जब तक फेसबुक प्रोफाइल का प्रोफेशनल मोड ऑन नहीं हो जाता, तब तक फेसबुक प्रोफाइल को मोनेटाइज नहीं किया जा सकता। तो अगर आप एक बिगनर है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको फेसबुक का प्रोफाइल से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। क्यों बताता हूं, सबसे पहले प्रोफेशनल मोड को ऑन कर लीजिए। अब जब भी आप प्रोफेशनल मोड को ऑन कर लोगे तो जितने भी आपके फेसबुक प्रोफाइल पर आपके फ्रेंड थे वो सारे फॉलोअर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसका एक प्लस पॉइंट ये रहेगा कि जब भी आप कंटेंट पोस्ट करोगे, रील्स या वीडियो पोस्ट करोगे, तो आपको स्टार्टिंग में थोड़ा बूस्ट मिल जाएगा। आपके फ्रेंड जो होंगे ऑलरेडी फॉलोवर्स में बदल चुके हैं, वो वीडियोस देखेंगे, रील्स देखेंगे, लाइक कमेंट करेंगे, तो स्टार्टिंग में बूस्ट मिल जाएगा, तो इसमें ग्रोथ का चांसेस ज्यादा रहता है। ये सिर्फ बिगनर के लिए है, जो अभी स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, जो ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए हैं उनके लिए नो प्रॉब्लम। अब देखो, इस मामले में अगर बात करें फेसबुक पेज की, तो यहां पर भले ही आपको जीरो से स्टार्ट करना होगा, बट यहां आपको क्रिएटर स्टूडियो का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। विंडोज पर भी अवेलेबल है और मोबाइल वर्जन में भी एप्लीकेशन भी अवेलेबल है। हालांकि वो अभी मेटा बिजनेस स्वीट पर स्विच होगा, तभी वो विंडोज पर भी अवेलेबल रहेगा और मोबाइल वर्जन में भी मेटा बिजनेस स्वीट का एप्लीकेशन मिल जाता है। तो इस मामले में फेसबुक पेज बेटर है। हालांकि प्रोफाइल को भी आप जुगाड़ लगा के क्रिएटर स्टूडियो पर थोड़ा बहुत ओपन करके देख सकते हो। गूगल पर सर्च करो मेटा फॉर क्रिएटर्स, देन मोनेटाइजेशन टूल्स एप्लीकेशन पर क्लिक करो। यहाँ सी रिक्वायरमेंट पर क्लिक करके नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपके फेसबुक प्रोफाइल के सामने क्लिक करोगे तो ये थोड़ा बहुत जगह क्रिएटर स्टूडियो पर ओपन तो हो जाता है, बट यहाँ से आप कॉन्टेंट को पोस्ट नहीं कर सकते, तो मैं इसको क्रिएटर स्टूडियो नहीं बोलता हूं। तो इसलिए आपको अगर स्टार्टिंग में बूस्ट चाहिए तो प्रोफाइल से काम स्टार्ट कर दो, और आपको भले ही स्टार्टिंग जीरो से करना पड़े बट आपको क्रिएटर स्टूडियो चाहिए तो भाई आप फेसबुक पेज के साथ जा सकते हो। हालांकि अब क्रिएटर स्टूडियो का उतना इंपॉर्टेंस नहीं रहा है, क्योंकि पेज और प्रोफाइल दोनों के लिए फेसबुक एप्लीकेशन से ही आप सारे मोनेटाइजेशन टूल्स को मोनेटाइज करा सकते हो, पे आउट, अर्निंग सब कुछ चेक कर सकते हो। ओके, अब बात कर लेते हैं नंबर टू की, अर्निंग के बारे में, कहां पर ज्यादा मोनेटाइजेशन टूल्स मिलते हैं, कहां पर ज्यादा अर्निंग होती है। तो आपको बता दो, फेसबुक पेज और प्रोफाइल दोनों पर सेम अर्निंग होती है, सेम मोनेटाइजेशन टूल मिलते हैं। पेज प्रोफाइल दोनों पर बोनस भी मिलता है, एड्स ऑन रील भी मिलता है, स्टार मोनेटाइजेशन भी मिलता है, सब्सक्रिप्शन भी मिलता है, एड्स ऑन रील भी मिलता है, इनस्ट्रीम एड, लाइव एड्स, सारे मोनेटाइजेशन टूल दोनों पर सेम तरीके से मिलते हैं, सेम तरीके से मोनेटाइज किया जाता है, क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी दोनों का सेम है। हालांकि फेसबुक का प्रोफाइल प्रोफेशनल मोड की बात करें तो लाइव एड्स का ऑप्शन अभी इस टाइम पर करंटली अवेलेबल नहीं है, बट जल्द ही अवेलेबल होगा। बात कर लेते हैं रिच के बारे में कि फेसबुक किसको रीच ज्यादा देता है, तो फेसबुक पेज और प्रोफाइल दोनों की रीच सेम है, रीच के मामले में कोई भी आगे पीछे नहीं है। ओके, तो इतना कंपैरिजन है, इसके अलावा फेसबुक पेज प्रोफाइल का कोई भी कंपैरिजन नहीं बनता है, दोनों सेम है, कोई भी आगे पीछे नहीं है। बट स्टार्टिंग के टाइम में आपको प्रोफाइल से करना चाहिए ताकि स्टार्टिंग में बूस्ट मिल जाए और कुछ ज्यादा चांस रहे कि आपका जो प्रोफाइल होगा वो ज्यादा से ज्यादा ग्रो करे और आप जल्दी से मोनेटाइज करा पाओ। वही अगर पेज पर जाए तो यह क्रिएटर स्टूडियो आपको विंडोज पर या फिर मोबाइल एप्लीकेशन पर सपोर्ट मिल जाता है, जहां से आप डीपली एनालिटिक कर पाओगे आपके कंटेंट को। बाकी इसके अलावा कोई भी कंपैरिजन नहीं बनता है, जहां पर आप काम कर रहे हो वहीं पर आपको करते रहना है, या फिर बिगनर हो तो तब भी आप जहां चाहो कर सकते हो, पेज पर भी जा सकते हो, प्रोफाइल पर भी जा सकते हो, सेम अर्निंग होती है, सेम मोनेटाइजेशन टूल मिलते हैं, सेम रीच मिलती है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। आई होप आप अच्छे से समझ चुके होंगे। वीडियो से रिगार्डिंग आपका कोई सवाल या सुझाव मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आपने वीडियो को यहां तक देखा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।